Good morning students. Today we will start exercise 11.2 of chapter 11 algebra. So आज के इस वीडियो में हम exercise 11.2 डिस्कस करेंगे. हमारी exercise 11.2 का first question है. The side of an equilateral triangle is shown by L. Express the parameter of the equilateral triangle using L. Question first में क्या बोला है? हमें side given equilateral triangle की हमें क्या लेनी है side L. ठीक है? हमें पैरामीटर फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसका यूज करते हुए एल का यूज करते हुए तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी हो गई हमारे पास एल हो गई साइड कितनी हो गई हमारे पास एल हो गई ठीक है तो पैरामीटर फाइंड करना है देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों ही साइड जो होती है वो इक्वल होती है अगर एक साइड एल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी एल होगी तीसरी साइड भी क्या होगी एल होगी जिस ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहां पर साइड कितनी दी है एल तो इसका मतलब उसके तीनों साइड क्या है एल 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 तो हमें पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर फाइंड करने का क्या तरीका है कि जितना भी साइड्स है उन सबका सम कर दो तो जो साइड्स कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में 1 2 3 और तीनों साइड जो होती है वो सेम होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हम क्या कर देंगे एल प्लस एल प्लस एल तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3l कितना आ गया 3l 1 2 3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3l तो हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3l क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय l एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग l देखो हमें एक साइड दे रखी है रेगुलर हेक्सागन की रेगुलर हेक्सागन की हमें साइड कितनी रखी है रेगुलर हेक्सागन की हमें साइड गिवन है l ठीक है और हम इसका पैरामीटर निकालना है हमें क्या निकालना है इसका पैरामीटर निकालना है पैरामीटर कैसे निकालते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स सारी साइड्स का सम कर देंगे देखो रेगुलर हेक्सागन बोला है हेक्सागन क्या होता है जिसकी थ्री साइड्स होती हैं जिस फिगर की थ्री साइड्स होती हैं उनको हम हेक्सागन बोलते हैं और रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास हेक्सागन गिवन है उसकी जो सिक्स साइड्स हैं वो क्या है सेम जो उसकी सिक्स साइड्स हैं वो सेम है मतलब अगर एक साइड एल है तो उसकी जो बाकी की फाइव साइड्स हैं वो भी क्या है एल है तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 6l तो हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया इसका 6l Now let's come to the question number third. Third kya hai? A cube is three dimensional figure. It has six faces and all of them are identical squares. The length of an edge of the cube is given by L. Find the formula for the total length of the edges of the cube. देखो क्या बोला है हमें कि cube जो है वो three dimensional figure होता है जिसकी six faces हैं और वो six faces क्या हैं? सारी के सारी identical squares हैं. तो हम पर हमें length ले दे रखी है cube की L. तो हमें formula find करना है total length find करने का of the edges of the cube. तो length कितनी ले रखी है L. Number of edges हमें कितनी given है? 12. कितनी given है? 12. ठीक है सो हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एजेस की लेंथ निकालेंगे तो हम दोनों को इनटू कर देंगे टोटल लेंथ ऑफ द एजेस कैसे निकल जाएगी नंबर ऑफ एजेस को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 को इनटू करा एल से तो कितना आ गया 12 तो ये हमारे पास 12l क्या आ चुकी है टोटल लेंथ ऑफ द एजेस नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 The diameter of the circle is a line which joins two points in a circle and also passes through the center of the circle. AB is the diameter of the circle, C is its center. Express the diameter of the circle, D in terms of its radius. ठीक है? देखो क्या given है हमें? हमें given है कि एक diameter जो होती है circle की, वो क्या होती है? जो दो points को join करती होती है और जो center से pass हो रही होती है. That is called diameter. वो हमें फिगर में भी दिख सकती है हमें यहाँ पर जो ए बी दे रखी है वो हमारी पूरी एक डायमीटर है सी हमारा सर्किल है और हमारी क्या है रेडियस है ठीक है तो हमें क्या करना है जो डायमीटर है सर्किल की उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है सो देखो डायमीटर हमारी क्या है ए बी कितनी है डायमीटर ए बी ठीक है तो जो डायमीटर होती है वो दो रेडियस देखो अगर हमारे पास डायमीटर भी रखा है तो डायमीटर जो होती है वो रेडियस की क्या होती है डबल होती है रेडियस की डबल को हम क्या कहते हैं डायमीटर तो अगर रेडियस डबल हो रही है तो वो क्या बना रही है एक डायमीटर फॉर्म कर रही है तो ये ए में जो डायमीटर है ये दो रेडियस से मिलकर फॉर्म हुई है किस किस से एक तो ए सी और एक सी बी से यहाँ पर दो रेडियस यूज हुई है ए सी और ए बी तो दोनों ये हमारी क्या है रेडियस और आर का सार कितना होता है 2r तो डायमीटर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितनी आ गई 2r जो डायमीटर है वो डबल होती है रेडियस की तो यहाँ पर आ चुकी है
diameter of the circle in terms of its radius is 2r. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल हो जाएगा. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.2 खत्म होती है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.3 को डिस्कस करेंगे.